इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती जनसंख्या पर और इससे निजात पाने के लिए असम की भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए साहसिक फैसले की। 1,36,00,000 की आबादी, यानी आबादी के मायने में धरती पर दूसरा बड़ा परिवार, यानी सीमित संसाधनों के बीच समस्याओं व मूलभूत सुविधाओं से वंचित कामोवेश हर भारतीय। चीन की तरह यदि आबादी पर समय रहते नियंत्रण न लगा तो हम सब यही कहेंगे कि पता तो था लेकिन अब देर हो गई है, यानी अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जब इस बाबत जिक्र किया तो संकेत मिल गया कि जल्द ही भारत सरकार भी आबादी नियंत्रण पर गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही कोई गंभीर कदम सामने आ जाएगा। आया लेकिन अभी सिर्फ असम से। असम की भाजपा सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2021 से उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। सोमवार यानी आज असम कैबिनेट ने यह अहम फैसला ले लिया है। समझा जा सकता है कि अभी तो यह शुरुआत भर है, जल्द ही आगे भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आबादी नियंत्रण हालांकि देश हित में एक अहम फैसला है लेकिन इसे जातीय रंग देने की कोशिश भी बहुत तेज हो चुकी है, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की स्पीड में ब्रेकर का काम कर सकता है। आइए पहले बात करते हैं असम की सर्वानंद सोनोवाल सरकार के कैबिनेट फैसले की। इस फैसले के अनुसार जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं 1 जनवरी 2021 के बाद वे सरकारी नौकरी के योग्य नहीं समझे जाएंगे। इसके अलावा जो लोग अभी नौकरी में हैं उन्हें भी हम दो हमारे दो नीति का सख्ती से पालन करना होगा। असम कैबिनेट के इस फैसले को जनसंख्या नियंत्रण कानून की दिशा में असम की भाजपा सरकार का एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके होने वाले विरोध अथवा समर्थन के बाद ही देश भर के लिए नई पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। याद कीजिए इस स्वतंत्रता दिवस के मौके को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या विस्फोट की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया था। पीएम मोदी ने साफ कहा था कि हमें आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना होगा, सीमित परिवार से न केवल परिवार बल्कि देश का भी भला होगा। पीएम मोदी का कहना है कि एक छोटा परिवार रखना भी एक तरह से देशभक्ति ही है और छोटे परिवार का सम्मान किया जाना चाहिए। हाल ही में मेरठ की क्रांति धारा से सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली तक एक रथ यात्रा निकालकर बढ़ती जनसंख्या से उपजे जन समस्याओं पर केंद्र का ध्यान आकर्षित किया गया। फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शुक्ला, संयोजक राजेश शर्मा व रथ यात्रा प्रभारी रविंद्र मलिक का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या से ही सारी जन समस्याएं पैदा हुई हैं। जितने संसाधन मुहैया कराए जाते हैं उससे अधिक जनसंख्या विस्फोट हो जाता है जिस कारण जन सुविधाओं का अभाव बराबर बना रहता है। उनका सीधा सा मानना है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया जाएगा सरकार किसी की भी हो वह लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा सकती है। इसके बाद आरएसएस व उससे जुड़े अन्य संगठनों ने भी दिल्ली तक जुलूस निकाला और ज्ञापन दिया। कुल मिलाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री की घोषणा ने इस मांग में जैसे घी का काम कर दिया है। आज जैसे कि मुझे सूचना मिली है यह अत्यंत हर्ष का विषय है देश के लिए। आज असम सरकार ने 2 बच्चों के कानून को आज संवैधानिक रूप से लागू कर दिया और ये अच्छी बात है कि असम सरकार ने दरियादिली दिखाई। वहाँ 2 बच्चों का कानून जो लागू किया गया है, इस कानून में जिसको तीसरा बच्चा होगा उसे उस प्रदेश के तमाम संवैधानिक पदों पर कोई स्थान नहीं मिलेगा, उसे बैंक से कोई लोन नहीं मिलेगा, उसे नौकरी में कोई किस तरह का भी कोई पार्टिसिपेट नहीं होगी और चुनाव भी वो लोग नहीं लड़ पाएंगे जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। मैं असम सरकार की एकदम बिल्कुल तहे दिल से प्रशंसा करता हूं और उनका ये फैसला बहुत बेहतर है, अच्छा है, उस प्रदेश के भविष्य के लिए है। और मैं तो अब प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी असम सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव लाएं और तत्काल प्रभाव से 2 बच्चों का कानून लागू करें। जब इस प्रदेश में 2 बच्चों का कानून लागू होगा तभी ये प्रदेश बेहतर स्थिति में आ पाएगा, विकसित हो पाएगा और इस प्रदेश में जन्मे तमाम जो बच्चे हैं उनका भविष्य संवर पाएगा।
मैं उन्हें एक बार फिर असम सरकार को साधुवाद देता हूँ। और चूँकि सेव इंडिया जन फाउंडेशन लगातार पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार कंपेन चला रही है, अभी हम लोग 2 अक्टूबर को मेरठ से दिल्ली तक गए थे, पदयात्रा एक रथ यात्रा निकाली थी, और हमने भारत सरकार से भी मांग की है कि पूरे देश में 2 बच्चे का तत्काल कानून लागू किया जाए। जनसंख्या जिस तरह वृद्धि हो रही है आज, उसकी वजह से देश में अनेकों समस्याएं पैदा हो रही हैं, और आज जो असम सरकार ने 2 बच्चों के कानून को संवैधानिक मान्यता दी है, ये उनका फैसला बहुत प्रशंसनीय है और बेहतर है, प्रदेश की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने पीएमओ को एक प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें कहा गया है कि हमारे दो का पालन करने वाले तमाम टैक्स का भुगतान करते हैं, लेकिन बाकी अन्य लोग रोटी, कपड़ा, मकान व अन्य सरकारी लाभ का फायदा उठाते हुए जनसंख्या विस्फोट में लगे हैं। अश्विनी ने तर्क दिया है कि जब तक 2 करोड़ बेघरों को घर दिया जाता है, तब तक 10 करोड़ बेघर और नए पैदा हो जाते हैं, इसलिए एक नया कानून ड्राफ्ट करने में समय खराब करने के बजाय चीन के जनसंख्या नियंत्रण कानून की तर्ज पर संसद में कानून पेश किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करे, उसका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, बिजली कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन बंद हो जाना चाहिए। इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून तोड़ने वालों पर सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने तथा राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने पर भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। आइए देखते हैं हाल ही में बाबा रामदेव ने भी क्या कहा है इस बारे में। जनसंख्या का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से पॉपुलेशन का बाहर बढ़ रहा है, भारत तो उसको ढोने में सहने में तैयार नहीं। सड़कें कम, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स कम, संसाधन कम, खेती कम, अनाज भी कम हो जाएगा, आखिर भारत कैसे सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए भारत की आबादी आने वाले 50 वर्षों में भी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा की आबादी सहने के लिए हम तैयार ही नहीं। और ये तभी हो सकता है जब कानून बने देश में कि 2 से ज्यादा जो भी बच्चा पैदा करेगा उस बच्चे को वोटिंग राइट नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, और सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाए, तो फिर लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हैं। देश हम सबका है, और एक मजबूत देश जब तक नहीं बनेगा, भारत के नागरिक को दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। बता दें कि देश की जनसंख्या वर्तमान में 1,36,00,000 बताई जा रही है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। यदि संसाधनों की बात करें तो भारत के पास कृषि योग्य भूमि दुनिया की लगभग 2% है, पीने योग्य पानी 4%, लेकिन जनसंख्या 20% है। यदि चीन से तुलना करें तो क्षेत्रफल चीन का लगभग 1/3 है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की दर चीन से 3 गुना ज़्यादा है। चीन में प्रति मिनट 11 बच्चे और भारत में प्रति मिनट 33 बच्चे पैदा होते हैं। अगर देखा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, चारों तरफ भीड़, बढ़ता ट्रैफिक, चोरी, डकैती, झपटमारी, बलात्कार, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, कट्टरवाद, पत्थरबाजी, जेल में क्षमता से अधिक कैदी, मारामारी आदि तमाम समस्याएं जनसंख्या के चलते ही उत्पन्न हो रही हैं। बनी रहेगी हमारी नज़र ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर। देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।